आस्किंग के लिए विद मी श्रीपर्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक डुअल फ्लेवर की केक बनाने वाली हूँ, जिनमें मैं चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी इन दोनों फ्लेवर का यूज करने वाली हूँ। जिन लोगों को ये दोनों ही फ्लेवर अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए तो ये केक हेवन होने वाली है। और अगर आपने अभी तक इस कॉम्बो को ट्राई नहीं किया है, मेक श्योर इस कॉम्बो को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। वीडियो में जाने से पहले, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ये छोटी सी वाइटी फैमिली के साथ झटपट से जुड़ जाइए। इट्स सिंपल एंड फ्री। और अगर आज के केक की रेसिपी आप सबको पसंद आती है, देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के केक के लिए मैंने एक चॉकलेट फ्लेवर की स्पॉन्ज बनाई है, और इस चॉकलेट केक की रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत सारे वर्शंस पे आपको मिल जाएंगी। उन्हीं में से आप कोई भी एक रेसिपी को फॉलो करके इस केक को बना सकते हो। अच्छा, और इस केक का आज ना टोटल वेट होने वाला है 1 kg, यानी कि 2 pounds के बराबर। यहाँ पर आपको मेरी एक गलती देखने को मिल जाएगी। मैं हमेशा आप सबसे बोलती हूँ, जब भी आप केक को बेक करने जा रहे हो, उससे पहले केक टिन को अच्छे से टैप कर दिया करो। इससे केक टिन के अंदर, यानी कि केक बैटर के अंदर जो भी एयर बबल्स होते हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने समहाउ उसको अच्छी तरह से टैप नहीं किया था, इसके कारण जब भी मैंने केक को बेक किया था, एयर बबल्स उसके अंदर ट्रैप हुए थे, और इस केक की स्पॉन्ज थोड़ी सी खराब हो चुकी है। मगर एक चीज अच्छी हुई है कि सिर्फ ऊपर लेयर में ही हुआ है, बाकी सारे लेयर्स ठीक ही है। इस केक को मैंने 2022 में बनाया था। रिसेंटली मैं जब गूगल ड्राइव को चेक कर रही थी, तब मैंने देखा, अरे इस केक को तो मैंने अपलोड ही नहीं किया है अभी तक। और इस केक का डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने बस फटाफट से इसको एडिट किया है और अपलोड कर दिया है, ताकि आप सब भी इस डिज़ाइन को, इस फ्लेवर को ट्राई कर सको। और एक बात, इस केक को बनाते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, कुछ क्लिप्स ना मिस हो गए हैं, आई थिंक वो डिलीट हो चुके हैं समहाउ, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप सबको सॉरी बोल देती हूँ। कस्टमर को अपने ही बर्थडे के लिए एक डुअल फ्लेवर का केक चाहिए था। उनको चॉकलेट फ्लेवर पे चाहिए थी केक का स्पॉन्ज, और साथ में केक लेयर्स में होनी चाहिए थी स्ट्रॉबेरी क्रश। तो उन्होंने जैसा डिमांड किया था, मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था। जैसे मैं हमेशा चॉकलेट केक को क्रम कोट करती हूँ, मैंने सेम ही रूल्स को फॉलो किए थे। पहले मैंने उसको अच्छी तरह से सोक कर दिया था, और फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने गनाश का भी अप्लाई किया था डायरेक्ट केक स्पॉन्ज के ऊपर। अच्छे से गनाश से कोट करने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया था व्हिप्ड की हुई क्रीम, जिसको मैंने पहले से ही बीट करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, ताकि क्रीम अच्छी तरह से स्टेबल हो जाए बिफोर यूजिंग। अच्छा, तो लेयर्स पे मैंने अब डाल दिया है स्ट्रॉबेरी क्रश, जैसा कि मुझे करने को कहा गया था। आप कोई भी कंपनी की स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ कर सकते हो, होल क्रश भी यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे पास होल क्रश नहीं था उस वक्त, इसलिए मैंने नॉर्मल फ्रूट क्रश का ही यूज़ किया है। और सारी कंपनी की क्रश बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं, आप बेफिक्र होकर कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनली चोको चिप्स को बहुत ही पसंद करती हूँ खाने के टाइम जो केक के अंदर जो क्रंच आता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कस्टमर से पूछ लिया था कि क्या मैं इसके अंदर फिलिंग के साथ चोको चिप्स का यूज़ कर सकती हूँ, मगर उन्होंने एकदम ना कर दिया था। उन्होंने बोल ही दिया था मुझे एक्स्ट्रा चॉकलेट फ्लेवर नहीं चाहिए इसके अंदर, सिर्फ फिलिंग पे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ही चाहिए, इसलिए मैंने चोको चिप्स नहीं डाला है। अगर आपको चोको चिप्स पसंद है, देन आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। केक के फाइनल लेयर के ऊपर भी मैंने अच्छे से स्ट्रॉबेरी क्रश को अप्लाई किया है, ताकि खाने के टाइम ही स्ट्रॉबेरी का प्रेजेंस पता चले। मैंने इसको क्रम कोट करके रख दिया था बिफोर फाइनल आइसिंग, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स के लिए आपको रखना होता है, और इससे ना आपकी फाइनल आइसिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और जैसे कि मैंने पहले बोला है, कुछ क्लिप्स यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं, इसलिए क्रम कोटिंग की क्लिप्स यहाँ पर डिलीट हो चुकी है, तो उसके लिए सॉरी।
अब बात करते हैं इस केक के डिज़ाइन को लेकर। मेरे कस्टमर ना बहुत ही स्पेसिफिक थे अबाउट द लुक ऑफ दिस केक। उन्होंने पहले से ही एक केक का पिक्चर मुझे भेज दिया था और उन्होंने बोल दिया था साफ साफ कि उनको बर्थडे पे ये केक ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, कुछ कम भी नहीं करना है, डिटो मुझे इस तरह से ही बनाना है। एक्चुअली मुझे ना बस उसको कॉपी करके पेस्ट करना था, दैट्स इट। और जिस पिक्चर को उन्होंने भेजा था यानी कि जिस डिज़ाइन को मुझे बनाना था, वो डिज़ाइन इट्सेल्फ इतना प्रिटी था कि क्या ही बताए। आप इस वीडियो के लास्ट में भी देख पाओगे कि ये केक कितना अच्छा बना था। स्क्रेपर से क्रीम को इवन आउट करने के बाद मुझे लग रहा था कि ये पिंक कलर थोड़ा सा फेड हो चुका है, इसलिए मैंने दोबारा से पिंक कलर को अप्लाई किया है और दोबारा से मैंने स्क्रेपर से इसको क्लीन किया है और तब जाके एक बहुत परफेक्ट ऑमरेफिड बन चुकी है वाइट एंड पिंक कलर के बीच में। सब चीज़ों का ही एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब कस्टमर आपको पहले से केक के डिज़ाइन को भेज देते हैं, तब आपको अलग से सोचना ही होता कि आपको कौन से डिज़ाइन बनाना है इस केक के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव साइन है, आपकी दिमाग थोड़ी सी हल्का रहती है। मगर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इस वाले केस में ना थोड़ी सी कंपेरिजन चला आता है, मतलब कि जो डिज़ाइन आपको भेजा गया था उसको आपने कितनी बाखूबी से कॉपी एंड पेस्ट किया है, इस मैटर पे थोड़ी सी टेंशन आ जाती है और मुझे ना ये वाली बात थोड़ी सी अनकंफर्टेबल कर देती है। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ छोटी से छोटी डिटेलिंग को भी कॉपी करने में, ताकि कस्टमर जो चीज़ चाह रहे हैं उनको सेम वही चीज़ मिल पाए। इस चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। और एक बात, इस केक के ऊपर रोजेज बनाने के लिए मैंने N1 नोज़ल का यूज़ किया है और N1 नोज़ल से कैसे रोजेज बनाया जाते हैं उसकी ऑलरेडी ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। लास्ट में थोड़ी सी गोल्डन कलर की शुगर बॉल्स और साथ में सिल्वर लस्टर डस्ट को स्प्रे करके मैंने इस केक की लुक को किया था कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद मैं चेक कर रही थी कि मैं कितनी एक्यूरेट इसको बना पाई, तब मैंने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट 97% तक इसको सेम बना दिया था। और जब मैंने इस केक की पिक्चर को कस्टमर को भेजा था, वो तो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ही सेटिस्फाइड हुई थी इस केक की फ्लेवर को लेके और साथ में लुक को लेके। तो ये थी आज की डुअल फ्लेवर केक की रेसिपी, जो कि हमने चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ बनाया है और साथ में एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप बेकिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।